दोस्तों एक तरफ शिपमेंट था थाईलैंड का और 18 आवर्स के गैप में और एक शिपमेंट था, वो था सिंगापुर का शिपमेंट था। सो दोनों शिपमेंट 18 आवर्स के गैप में बैक टू बैक था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और वैरायटी जैसा आता है तो इस बार भी वैसा वैरायटी आया है, जिसमें रेडेड एंजल अभी आप लोगों को दिखा, उसके साथ डिस्कस का कुछ वैरायटी आया हुआ है, एल्बाइनो स्टिंगरे बहुत दिन बाद आया हुआ है जो सफ़ेद स्टिंगरे होता है, उसके साथ फ्लैगटेल भी आया हुआ है, और भी वैरायटी है जो मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई नो आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके लिए जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं उन लोगों को पता है कि लाइक करना शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो के मेन पार्ट में जाते हैं। और आ गया है दोस्तों पहला पार्सल, जैसा मैंने वीडियो के एकदम शुरू में बताया था कि बैक टू बैक दो पार्सल आया है, सिंगापुर थाईलैंड दोनों जगह से बहुत सारा वैरायटी आया है दोस्तों। तो वीडियो तो शुरू हो ही गया है, तो जो मेरे दोस्त अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के इसी मोटिवेशन की वजह से हम लोग भी रेगुलर वीडियो लाने का कोशिश करते हैं। तो अभी ये जा रहा है हमारे वर्कशॉप में, और फिर वर्कशॉप में जाने के बाद एक एक करके हम लोग सारा पार्सल आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। थोड़ा सा डिले हो गया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा फिश था, तो वो फिश को सही करना, क्वारंटाइन करना, ये बहुत कुछ काम रहता है, क्योंकि जैसा हम लोग ये अपलोड करते हैं शिपिंग का वीडियो, उसके साथ साथ ही आप लोगों का ऑर्डर का इंक्वायरी आना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके शुरू करते हैं बॉक्स ओपन करना। और ये रहा डिस्कस, डिस्कस में देखिए ये रॉयल ब्लू डायमंड बहुत बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों। ये वीडियो जितना आगे जाएगा मैं अलग से एक्वेरियम का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। डिस्कस अभी क्वारंटाइन प्रोसेस में है, फिर भी मैं इसका एक्वेरियम में डालने के बाद कितना बेटर क्वालिटी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 3-3.5 इंच के आसपास आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ अलग वैरायटी है, फ्लैगटेल, ये लगभग 7 इंच का फ्लैगटेल आया है, अमेरिकन रेड फ्लैगटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बॉक्स में क्या है दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ये बॉक्स में है, दिखाता हूँ अभी, यस लेपर्ड ऑस्कर दोस्तों, ये बहुत दिन बाद आया है, बहुत पहले एक बार आया था। ये एल्बिनो नहीं है, मोजाइक नहीं है, ये है लेपर्ड, पूरा बॉडी में पैचेस है। और ये देखिए टर्कोइज, डिस्कस का और एक वैरायटी, इसमें भी ब्लू का वैरायटी है। तो डिस्कस का बहुत सारा वैरायटी अवेलेबल हो चुका है, लगभग 4-5 डिफरेंस वैरायटी डिस्कस का आप लोगों को मिलेगा। देखते हैं इसमें क्या है, इसमें भी डिस्कस का ही स्टॉक है। और जैसा थोड़ा सा समर सीजन आता है तो डिस्कस का क्रेज़ फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें रेड स्पॉटेड शिवरम, ये शिवरम का 3-3.5 इंच साइज़ में है, रेड स्पॉटेड शिवरम। इसमें दिखाता हूँ दोस्तों NTT नॉर्थ थाई टाइगर, ये लगभग 6 इंच प्लस में है, NTT पहला भी स्टॉक में आया था, वो फिर से रीस्टॉक हो गया है दोस्तों। और यहाँ भी डिस्कस का स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सारा डिस्कस अभी हम लोग थोड़ा सा टॉस करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर मैच करने के लिए एक्वेरियम में, जैसे हम लोग आप लोगों को भी सजेस्ट करते हैं रखने के लिए। ये देखिए टॉसिंग प्रोसेस चल रहा है। हर बार जब शिपिंग का वीडियो आता है एक चीज तो कंफर्म है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं भी हमेशा आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि एक्साइटमेंट को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। देखिए फिश आप लोगों को जरूर मिलेगा, हम लोग फिश मंगवाते ही इसके लिए कि वो आपके पास आपके एक्वेरियम तक पहुंचे, लेकिन बीच में जो फंडा है वो समझना है। कोई भी फिश लेने से पहले ये आप लोगों को एश्योर करना पड़ेगा हम लोगों से कम्युनिकेट करके कि वो फिश आपके एक्वेरियम में एग्जिस्टिंग फिश के साथ या आपके नए टैंक में आराम से रह जाएगा। तेरी अगर रह जाएगा तो कैसे रहेगा, क्या मेडिसिन, क्या प्रिकॉशन हम लोगों को पहले से लेना है। और अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर चुके हैं तो बिना किसी टेंशन के हम लोगों का जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे जाइए, और जो भी आपके मन में सवाल है रिगार्डिंग शिपिंग, कैसे मिलेगा, ट्रेन में आएगा कि बस में आएगा, कितना टाइम लगेगा, फिश अगर डैमेज हुआ तो रिफंड पॉलिसी क्या है, वो भी जान लीजिए और 100% तसल्ली ले लीजिए, कॉन्फिडेंस हो जाइए, उसके बाद आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए।
नाइट शिपमेंट के बाद ये अर्ली मॉर्निंग और एक शिपमेंट जैसा मैंने बताया था, बैक टू बैक टू शिपमेंट था, तो ये सेकेंड शिपमेंट आ चुका है दोस्तों। ये अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, फिर एक्वेरियम में छोड़ने के बाद ये कुछ कुछ फिश कैसा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एंड तक जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग का, शिपमेंट का और फिश रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिलते रहता है। और फेसबुक और इंस्टा में है तो फॉलो ज़रूर करके रखिए। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू हो गया है नेक्स्ट शिपमेंट का, और इसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इसमें भी डिस्कस का वैरायटी है, इसमें डिस्कस है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रॉटकेल, रेड शोल्डर रॉटकेल शिवरम है, लेकिन इसके साथ डिस्कस भी आया हुआ है। इसमें येल्लो चेकर, येल्लो डायमंड का है, और रेड का भी कुछ कुछ वैरायटी है। जैसा मैंने बताया ये येल्लो है, ये देखिए, ये जितना भी डिस्कस है ये साढ़े तीन इंच प्लस साइज का भी डिस्कस इस बार स्टॉक में आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कम से कम 500 प्लस एंजल्स हम लोगों ने मंगवाया है, रेड हेड एंजल्स, सुपर क्वालिटी, और सब बॉडी साइज 1.5 से 2 इंच इसका बॉडी साइज है रेड हेड एंजल। ये देखिए 500 प्लस पीसेस लाया हूँ, वो भी आप लोगों को जब टॉजिंग होगा वो भी दिखाऊंगा एक साथ कितना यूनिक लग रहा है। नेक्स्ट पार्सल खोल चुका है, और इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। टाइगर सोविल नोस बहुत छोटा साइज़ में आया है दोस्तों, ये तो अभी क्वारंटाइन प्रोसेस में रहेगा। और यहाँ पे भी रेड शोल्डर, और नेक्स्ट पार्सल आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें कौन सा फिश है, इसमें मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का पिकॉक वास, यस ये अभी दोस्तों रेजिंग के लिए जाएगा, ये जैसा थोड़ा सा साइज़ ग्रो कर जाएगा उसके बाद ही इसका सेल शुरू होगा। अभी ये एकदम छोटा साइज़ में है, लगभग 1.5-2 इंच के आसपास होगा, तो अभी इसका सेल शुरू नहीं होगा। ये देखिए टॉजिंग चल रहा है रेड हेड एंजल का, कितना बढ़िया लग रहा है, एक साथ बहुत सारा एंजल, ये देखिए टॉजिंग चल रहा है। और ये दूसरा भी डिस्कस का जो स्टॉक आया है, इसको अभी हम लोग एक एक करके टॉस करेंगे। और यहाँ पे पिकॉक वास का, ये देखिए उसका भी टॉजिंग हो गया, इसको भी हम लोग एक्वेरियम में भी छोड़ देंगे। और ये फ्लैगटेल देखिए, पार्सल में फ्लैगटेल भी आया था, अमेरिकन रेड फ्लैगटेल, इसको हम लोग दिखाएंगे एक्वेरियम में छोड़ने के बाद कैसा लग रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो दोस्तों जो भी आपका रिक्वायरमेंट है ये वीडियो देखते रहिए, उसके साथ हम लोगों का नंबर आगे आप लोगों को मिलेगा, वो भी सेव करके रखिए, क्योंकि जैसा भी जो भी फिश का ज़रूरत है, जैसा ये एंटिटी है नॉर्थ थाई टाइगर, तो सिर्फ फिश बाई करना नहीं है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है, कैसे रखना है, क्या खाएगा नहीं खाएगा, एवरीथिंग। ये देखिए डिस्कस की क्वालिटी देखिए, और उसके साथ ये टर्कोइज, ये भी क्वारंटाइन में है, इसके लिए एक्वेरियम लाइट ऑन नहीं किया है, ये नॉर्मल लाइट में है। ये रहा रेड चेकर, ये देखिए हाफ चेकर फुल चेकर दोनों मिक्स है, रेफ्लेशिया पैटर्न में भी है। और ये देखिए ब्लू का क्वालिटी, अभी लाइट ऑफ है क्योंकि थोड़ा क्वारंटाइन प्रोसेस में है, उसके बाद सेल चालू होगा। एंड द ब्यूटी ऑफ रेड हेड एंजल, एंजल का बहुत सारा वैरायटी आया हुआ है वो दिखाता हूँ मैं। ये पिनॉय ब्लू वो भी आया था दोस्तों, क्योंकि सारा अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाते तो ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। और रेड डेविल एंजल ये देखिए, ये रेयर है, ये हमेशा नहीं आता है, रेड डेविल एंजल ये भी आ चुका है। और ये टॉकिंग कैट दोस्तों, ये देखिए इसको रफल कैट भी कहते हैं, टॉकिंग कैट, ये लगभग 8-9 इंच में आया हुआ है। और जिसका मैं बारे में बात कर रहा था, द मोस्ट एक्सपेंसिव एल्बिनो डायमंड और ब्लैक डायमंड दोनों आया हुआ है, ब्लैक डायमंड का और भी स्टॉक है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टिंग रेज, उस वो हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए। और ये रहा अमेरिकन रेड फ्लैगटेल दोस्तों, 7 इंच के आसपास इस बार साइज आया हुआ है। सो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले और एक दो इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा है वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे दोस्त है जो बोल रहे हैं कि एक बार वीडियो कॉल में मैं क्या वो फिश देख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू आता है, आई नो दैट, वो मुझे अच्छे तरीके से पता है। आप लोगों के जगह अगर मैं होता और मैं एकदम नया फर्स्ट टाइम कहीं से कुछ परचेस कर रहा हूँ, तो अगर मेरे मन में कुछ डाउट होता तो मैं ये कोशिश करता हूँ वो डाउट क्लियर करने का। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कोई भी डाउट है वो पहले क्लियर कर लीजिए, देन अपना ऑर्डर बुक कीजिए। तो वीडियो कॉल पॉसिबल है, लेकिन वो क्या है उसके लिए आप पहले से एक बार हमारे टीम के साथ बात कर लीजिए, नंबर तो दे रहा हूँ मैं।
वहां पे जाके बात करके आप लोग एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल रहूंगा, इस टाइम पे मैं वीडियो कॉल करके थोड़ा देख लूंगा। तो ऑफिशियल आवर्स में आप लोग एक टाइम लीजिए, उस टाइम में आप लोग वीडियो कॉल कीजिए, तो हमारे टीम की तरफ से आपको वो फिश दिखा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वीडियो कॉल में कोई भी फिश चूज मत कीजिएगा, उसके लिए हम लोग आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज देंगे। बहुत बार होता है कि वीडियो कॉल में प्रॉपर नहीं आता है, थोड़ा सा हेजी आता है, कट कट आता है, तो उसमें बहुत बार हम लोग जो फिश चूज करते हैं और वो जब आता है लगता है अरे ये तो गलत मैंने चूज कर लिया, तो वो मत कीजिए, वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और एक चीज़ है, वेबसाइट है हमारा, उस पर जाइए, वेबसाइट www.ashokarkwa.com। ये देखिए, यहाँ पे जाके आप लोग बहुत सारा फिश देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कितना वैरायटी है आपके पास, क्या क्या वैरायटी है आपके पास। तो जो भी वैरायटी है फिश गैलरी में जाइए, जो जो स्टॉक आउट दिखेगा वो छोड़ के सारा वैरायटी आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप वहां से देख के हम लोगों को बता पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट लेके भी हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो हम लोग आपको बता देंगे वो फिश का प्राइस क्या है, साइज क्या है, आपके एक्वेरियम में रहेगा कि नहीं। और एक बात है दोस्तों, फेसबुक में रेगुलर हम लोग अपडेट देते हैं, यूट्यूब में हम लोग हमेशा नहीं आ पाते, तो अगर आप लोग फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर हम लोगों को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में भी ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोनों प्रोफाइल हम लोग दिखा दे रहे हैं, तो वहाँ पे रेगुलर बेस में जो भी फिश आता है हम लोग अपडेट देते रहते हैं। सबाई खूब भालो थकबिन, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जो मेरे दोस्त अभी तक शायद सब्सक्राइब नहीं किए या भूल गए हैं, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा इस उंगली को तकलीफ दीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सबाई खूब भालो थकबिन, नमस्कार।